नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy S20 FE 5G versus Realme GT Neo 3 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो S20 FE 5G में 6.29 इंच जबकि GT Neo 3 5G में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो S20 FE 5G में 2.93 इंच जबकि GT Neo 3 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो S20 FE 5G में 0.33 इंच जबकि GT Neo 3 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो S20 FE 5G में 190 ग्राम्स जबकि GT Neo 3 5G में 188 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो S20 FE 5G में सुपर AMOLED जबकि GT Neo 3 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो S20 FE 5G में 20:9 जबकि GT Neo 3 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो S20 FE 5G में 6.5 इंचेस जबकि GT Neo 3 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन S20 FE 5G में 1080x2400 और GT Neo 3 5G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो S20 FE 5G में 85.68% जबकि GT Neo 3 5G में 87.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो S20 FE 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि GT Neo 3 5G में 394 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो S20 FE 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और GT Neo 3 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो S20 FE 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT Neo 3 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो S20 FE 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और GT Neo 3 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो S20 FE 5G में Adreno 650 जबकि GT Neo 3 5G में Mali-G 610MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो S20 FE 5G में Qualcomm Snapdragon 865 और GT Neo 3 5G में MediaTek Dimensity 8100 मिलता है। बात करें RAM की तो S20 FE 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि GT Neo 3 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो S20 FE 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि GT Neo 3 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो S20 FE 5G में अप टू 1TB जबकि GT Neo 3 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो S20 FE 5G में Android V11 जबकि GT Neo 3 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी S20 FE 5G में 4500 mAh जबकि GT Neo 3 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही तीन कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो S20 FE 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 47,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT Neo 3 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy S20 FE 5G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme GT Neo 3 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में GT Neo 3 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Huawei P40 है, दूसरा Huawei P40 Pro है, तीसरा Samsung Galaxy Note 20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।